गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं जा रही हूँ मंडी बहाउद्दीन, क्योंकि शादी स्टार्ट हो चुकी है और बस अभी फ्रेंड्स वगैरह आ रही हैं। सारी सब फ्रेंड्स का है एक हफ्ते का प्लान रुकने का, तो हम सारी दोस्त एक साथ होंगी, बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस अभी वो लोग आ रही हैं पिक करने के लिए, पिक करेंगी। और टाइम सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम निकलेंगे मंडी बहाउद्दीन के लिए। सो बस दुआ करें कि फोग वगैरह ना हो। सुना है मोटरवे वगैरह का भी मसला आ रहा है, ठंड बहुत शदीद है। तो मैंने बहुत ही कोई रज़ाई टाइप स्वेटर पहन लिया है, बाकी मैंने सब चीज़ें रख ली हैं। वहाँ जाके ही रेडी होंगे, अभी सब नींद की हालत में ही है, बस गाड़ी में बैठते जाएंगे और सो जाएंगे। तो बस अभी निकलने लगी हूँ और मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ व्लॉग। वहाँ पे अब गाँव के सारे व्लॉग आए करेंगे, बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ ऐसे हैं कि वहाँ सामने बिल्डिंग है और बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और शायद कैमरे में तो इतना फील नहीं हो रहा, लेकिन बहुत ही कोई शदीद वाली धुंध है। सब बस अभी निकलने लगे हैं, वो लोग भी पहुँचने वाले हैं, तो बस चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जब से सर्दियाँ हुई हैं कि इतनी सुबह उठी हूँ और बाहर ऐसा मौसम। चेकिंग हो गई है, चीज़ें जो हैं ये है मेरे साथ। हाँ, और धुंध बहुत शदीद है, गाड़ी वगैरह आ गई, दोस्त आ गए, वैसे ये है। हाँ, हम बहुत दूर जा रहे हैं और ये सीन रहे यहाँ के हालात कुछ ऐसे चीज़ों के। और ये देखते थे आप लोग कुछ रहते नहीं क्या? यहाँ पे कोई ये होटल है, यहाँ पे चाय वगैरह पियेंगे, तब बैठेंगे और बहुत ही मज़ा आ रहा है। सही शदीद वाली ठंड, बहुत मज़ा आ रहा है। और वो देख सकते हैं आप लोग आगे धुंध है काफ़ी सारी, तो हमने सोचा यहाँ पे चाय ब्रेक होना चाहिए ताकि धुंध भी ख़त्म हो जाए। और हम 12:53 हो गए, तो बस अभी जाएंगे एक घंटे का रास्ता। चाय आ चुकी है, भी सारी गर्ल्स चाय पियेंगी और माहौल कुछ ऐसे है, सीन्स कुछ ऐसे हैं, एंजॉय करें हम लोग, चाय पियेंगे साथ, व्यू के मज़े लेंगे और सब चाय पी रहे हैं। बहुत ही कोई मंजूली लाइफ चल रही है हमारी। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच चुके हैं और इंशाल्लाह व्लॉग में फिर घर जाके अपलोड कर सकूँगी, क्योंकि इंटरनेट का यहाँ पे इशू होगा। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँचने वाले हैं, 5-10 मिनट्स का रास्ता रहेंगे। हम लोग पहुँच चुके हैं और ये यहाँ का माहौल चल रहा है, एक हीटर ये है और एक ये, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरी सॉक्स इग्नोर करें क्योंकि ठंड बहुत शदीद है। जब हम लोग जा रहे हैं बाहर, थोड़ा सा हमने सोचा कि वो इन्जॉय वगैरह करते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। अभी 3 हुए और आप लोग देख सकते हैं कितने मज़े का मौसम है, देखिए काली काली मज़े। वाह, बहुत मज़े का। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत मज़े का लग रहा है। कल हम वहाँ जाएंगे सरसों में, वो ये मूलियाँ भी हैं, ताज़ी लगी हुई कहीं पे, ताज़ी हैं अभी, दो के मरियम जहाँ से निकाल सकते हैं ना, वहाँ से खोद के, कोई ऐसी बकवास नहीं करना, वो मेरा व्लॉग भी चल रहा था। गोबर भी है उसमें। गाइस, ये जो वॉक एंड की ब्लॉगर बनी हुई है ना, ये हमारी बड़ी व्लॉगर, ये डीप डाउन गोबर की बातें करती है। इसमें और इसमें फर्क बताएं। बहुत फर्क है, दोनों में बहुत क्यूटनेस है, वो देख मुझे कितने प्यार से देख, ये छोटा बेबी है, आधे जाते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। आओ साइड देखते हैं गाइस, मूलियां और ये क्या गोभी है, ये गोभी है, फूल गोभी, वो है गाइस। आज हमने फ्रेश घर की गोभी भी खाई है और बहुत मजे की थी, खाना हम खा चुके हैं, ये देख सकते हैं आप लोग क्या है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इस तरह की चीजें बहुत ही कोई खास पसंद है, खाने में नहीं लेकिन फ्रेश बंदा जो है वो करे। मैं तोड़ के देती हूं। नहीं, मैं खुद तोड़ूंगी। वाओ गाइस, मैं तो बहुत एंजॉय करी। गाइस, आप लोगों ने मेरी सॉक्स जो है ना इग्नोर करनी, क्योंकि यहाँ पे जितनी सर्दी है ना, 3 सॉक्स जो है मैं पकड़ती हूं, उतार ले इसको, पकड़ ऊपर से ऐसे। हाँ ऐसे नहीं, हमने ऊपर से पकड़ इसको, हाँ खींच ले। ओ वाओ,
नाइस। ये मैं घर जाके खाऊंगी। आदमी पकड़ रहा है ये गोभी, आप देख सकते हैं। ये हम खुद वो नहीं करेंगे क्योंकि वो थोड़ी मुश्किल है, वो वहाँ पे फ्रेश निकाल रहे हैं, लेकिन हम लोग ने ये मूली थोड़ी है। मौसम आप लोग देख सकते हैं, हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह बड़ा ही कोई ख़ास मज़ा आ रहा है। मैं काश इधर रहती होती और मैं आप लोगों को डेली विलेज की लाइफ इंजॉय करवाती, यहाँ की लाइफ बहुत मज़े की है। रहने वालों के लिए तो मुश्किल है, बहुत ही कोई मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी थोड़ी मूलियाँ भी लगी हुई हैं, बाकी दस से निकाल लिए हैं, बाकी वो रह गई हैं। वहाँ धनिया है वो भी, ज़रा जाके फ्रेश देखते हैं। धनिया और आई थिंक पालक या साग, पता नहीं क्या उसको कहते हैं, वो भी है वहाँ पे। तो अभी हम हैं 3-4-5-6 हफ्ता ही यहाँ पे हैं, ऑलमोस्ट हफ्ता है, 1 वीक इधर ही। फिर आप लोगों को डेली जो है मैं इंजॉय करवाया करूँगी। यहाँ पर जो है टिकटॉक बनना शुरू होगी। अच्छा जी, अभी आप क्या कर रही हैं? ये मैं धनिया काश्त कर रही हूँ। काश्त नहीं होता, क्या होता है? गल देखी है ना, चोरी कर रही हूँ। नहीं, चोरी कर रही हूँ। जो मालिक है वो साथ खड़े में ही, मैंने सोचा एक गड्डी में उनको बना के दूंगी। अच्छा, 30 रुपए की ज्यादा महंगी, कितनी महंगी, इतनी महंगी 30 रुपए की? हाँ, बस बाजी थोड़ी कम तो करे। नहीं नहीं नहीं, बस 30 रुपए फाइनल रेट है भाई हमारा। आपकी ना हमारी, बाजी को प्यार मोहब्बत करे ना, आपकी ना हमारी भाई। 30 रुपए की गड्डी होगी तो अगर लेनी है आपने तो बताओ, नहीं तो बाजी बहस ना करो। प्यार मोहब्बत वाली बात की है मैंने आपके साथ। अच्छा। आप अपना धनिया अपने पास से रखो। बाजी बस करो। फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर। नदीदे लोग टिकटॉक के बन रहे हैं, यहाँ पे धनिया तोड़ने आए हैं, धनिया तोड़ने का तरीका सिखा रहे हैं। ये देखो हमारे वहाँ पे इतना महंगा मिलता है, यहाँ पे हम फ्री में जो है ना पब्लिसिटी कर रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह। मुझे कौन सा है? आई आपे ये है जी लहसुन, और ये है लहसुन, क्या कह रही है, और ये चुकंदर, ये मूलियाँ। हाँ, मूलियाँ इनका बिजनेस जो है ना वो मूलियों का, और ये भी मूलियाँ हैं। और माशाल्लाह मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह का माहौल बहुत ही कोई अच्छा है। मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि कितना मज़ा आ रहा है, और कैसे आप लोगों को बताऊँ मैं। ठंड भी है मेरे, आप लोग हाथ देख सकते हैं, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो मेरा मजाक बना रही है खुद मेरे साथ। धनिया की तरफ पानी आना शुरू हो गया। हमारे घर से बुलावा आ गया, मजे का लग रहा है बहुत। यार ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है, जैसे पानी खड़ा हो जाता है, पानी इतनी ठंड में भी पानी जो है गर्म है। यहाँ से पानी आ रहा है। मैंने मूली तोड़ी थी, वो मुझे अन्नम जी धो के दे रही है। तो गाइस मूली हमने खाना शुरू कर दिया है धो के, और बहुत ही मीठी है। और हम जा रहे हैं घर की तरफ क्योंकि चाय शाय बन चुकी है, वो शादी वाला घर है, वापस आ चुके हैं, चाय शाय पी ली है और साथ मिठाई। यहाँ की कोई ये जो है स्पेशल मिठाई है।